आदि पुरुष के मेकर्स को देख के लोग ये कह सकते हैं पक्का कि इतने दोगले कोई कैसे हो सकता है भाई, इतना गिरा हुआ कोई कैसे हो सकता है। क्यों? क्योंकि अपने इंटरव्यूज में उन्होंने दिया हुए जो बातें कहते हैं, ये खुद ट्वीट करते हैं, अपने ही बातों से जो है मुकर जाते हैं। क्यों? क्योंकि केवल एक फिल्म के लिए अपने आप के जो ईमानदारी जो होता है ना, आत्मसम्मान, उसको भी ये लोग कुचल देते हैं, गिरा देते हैं। अर्थात इतने दोगले हैं ये लोग, इतने घिनौने इतने हैं कि इनके धिक्कार इनके ऊपर में, और इनको शर्म भी नहीं आती है ऐसे करते हुए। जैसे कि बताते हैं आपको, सुनिए। जैसे कि ओम राउत ये ट्वीट करते हैं कि हनुमान जयंती पे जो हनुमान जी डीप नहीं है, अर्थात वो भैरे नहीं है, तरह तरह लाउड स्पीकर क्यों बजा रहा है। वही ओम राउत जी का ऐसा जो है फेर बदल होता है, ऐसे परिवर्तन हो जाता है जब मूवी के टाइम आती है रिलीज की, तो कहते हैं हमारे हनुमान जी के एक सीट छोड़ कीप वन सीट फॉर अवर हनुमान जी, ही विल कम टू सी रामायण। वाह, क्या एक्टिंग कर रहा है ये, देखो इतना इमोशनल, इतना एक्टिंग करते हैं जितना प्रभास ने एक्टिंग भी नहीं किया आदि पुरुष में, उतना एक्टिंग ओम राउत करते हैं। वो कहते हैं कि एक सीट छोड़िए हमारे हनुमान जी के लिए, वो देखने आएंगे रामायण। वो खुद बोल रहे हैं रामायण, और बाद में मनोज मुंतशिर इंटरव्यू में कहते हैं कि हमने रामायण बनाई नहीं, हमने कहाँ कहा है कि हमने रामायण बनाई। हम तो तीन चीज़ें मैं एकदम स्पष्ट कर दूँ, मैंने पहले भी कही है और अभी स्पष्ट कर देता हूँ, हमने रामायण नहीं बनाई। ये सब दोगलापन है, मैं तेरा दोगलापन उतारता हूँ, हमने कोई रामायण ही नहीं बनी। तो इतने दोगले आपस में ही हो जा रहे हैं लोग। और एक इंटरव्यू आया था मनोज मुंतशिर और ओम राउत का, जिसने बहुत सारे लोगों को इमोशनल किया था, जहां क्या कहते हैं मनोज मुंतशिर, सुनिए। तो मैंने कभी सोचा नहीं, ऐसा विजुलाइज नहीं किया, हमने इसके पहले जब भी देखा है तो वो हाथ पकड़ के खींच के माँ को ले जा रहा है। ओम राउत कुर्सी से खड़े होकर मुझे बोलते हैं, सर शी इज माय मदर, नोबडी कैन टच कि मनोज मुंतशिर ये कहना है कि ओम राउत ने मुझे कहा कि मेरी माँ को कैसे टच कर सकता है, इसलिए सीता हरण को हमने ऐसा रखा है। मतलब ओम राउत ने कहा कि मेरी माँ अर्थात सीता माँ को ऐसे कैसे टच कर सकते, इसलिए उन्होंने ये जो है सीन रखा है। लेकिन वही बात है, जब तिरुपति में जाते हैं तो जो है कृति सेनन को किस कर लेते हैं, वो माता सीता थोड़ी है भाई साहब। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। ये लोग इतने दोगले हैं भाई साहब, ये सारी हदें दोगलापन की। ये सब दोगलापन है। फिर मनोज मुंतशिर ये भी कहते हैं कि मैंने ऐसे डायलॉग्स लिखे हैं जो कि आज के युग से कनेक्ट हो जाए, अर्थात आज के युग जो है मॉडर्न रामायण से ही कनेक्ट हो पाएंगे, वो पुराने रामायण से वो जो है उनके समझ से बाहर हो जाएगा अगर ऐसे लिखूंगा डायलॉग्स तो। आज की तारीख में क्या हम भ्राताश्री वाली भाषा प्रयोग कर सकते हैं? अगर हम करेंगे ना तो मैं सच बता रहा हूँ, रामायण के साथ ही अन्याय होगा, लोग देखेंगे नहीं। हमने आज तक नहीं बोला कि भाई हमने एक ऐसी फिल्म बनाई है जो प्रमाणिक तौर पर उसी भाषा का प्रयोग कर रही है जो भाषा वाल्मीकि ने लिखी थी। अगर हमें शुद्धता पे जाना था, अगर हमें प्योरिटी ऑफ लैंग्वेज पे जाना था, तो फिर मैं अपनी गलती मानता हूँ, मुझे संस्कृत में लिखी थी रामायण। तो इनके कहने का मतलब जो रामानंद सागर जी के 35-40 साल पुराने जो रामायण आती है उससे जो यूथ कनेक्ट नहीं हो पाता, तो क्यों उनके मीम बन रहे, क्यों उनकी तुलना जो है आदि पुरुष से की जा रही, क्यों आज भी अरुण गोविल को हम श्री रामचंद्र जी की तरह पूजते हैं, उन्हें माना जाता है, तो ऐसा क्यों है? अगर यूथ उनसे कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं तो क्यों उनके बारे में इतना ज्यादा बात होता है, क्यों उनके ओपिनियन को इतना माना जाता है? यही मनोज मुंतशिर ये भी कहते हैं कि अगर मुझे उस प्रकार से रामायण लिखता तो मुझे संस्कृत में लिखने पड़ते डायलॉग्स। मतलब मनोज मुंतशिर ये कहना चाह रहे हैं कि आज की युवा जो है टपोरी भाषा बोलती है, इसलिए जो है टपोरी लैंग्वेज का यूज कर रहे हैं, हनुमान जी तेरे बाप का तेल ये सब बोल रहे हैं। तो इसका मतलब आज की जो जनता है, नॉर्मल जो आज के यूथ है, वो तो तेरी बहन का, तेरी माँ का ये सब गाली भी देते रहते, तो क्या हनुमान जी से गाली भी दिला दोगे तुम भाई? सब कुछ ज़्यादा नहीं हो गया ये, मतलब कुछ भी। अगर आप सोशल मीडिया व्यक्ति हो तो वो आप जान भी चुके होंगे कि तेरे बाप का तेल, तेरे बाप का कपड़े कहाँ चुराया गया है, अमोक लीला प्रभु से या कुमार विश्वास से। चुरा रहे हमारे कथावाचकों से, मतलब कुमार विश्वास से डायलॉग चुरा रहे, शर्म नहीं आ रही है इन लोग को। और ये लोग कहते हैं कि ये लोग रामायण बना रहे हैं, बाद में ये लोग कहते हैं कि हम लोग रामायण बना ही नहीं रहे, हम तो आदि पुरुष बना। भाई साहब कहना क्या चाहते हो, एक लाइन में तो है लोग, किसी एक का तो होले मेरे भाई, किसी एक का तो होले, धोबी का कुट्टा ना घर का ना घाट का डायलॉग आ जाता है इनके लिए। मनोज मुंतशिर जो अपने आप को हाल ही में शुक्ला कहना प्रारंभ किया था, तो अभी अभी सनातनी में वापस से आए हैं, वो जो है ये भी भूल जा रहे हैं कि वो एक ब्राह्मण है और अपने ब्राह्मणत्व का इतना अपमान कर रहे हैं, उनसे बड़ा रावण से बड़ा अपमानित तो खुद कर रहे हैं हमारे सनातन को, और ये लोग बोलते हैं कि सनातन के विरुद्ध ये हो रहा है, वो हो रहा है। सच में भाई, लेकिन इसके बाद से जो है ओम राउत ने और मनोज मुंतशिर ने और बाकी जो स्टार कास्ट है उन्होंने अपना जो है इज्जत जो है बिल्कुल गिरा दिया है। ओम राउत ने अपना जो इतना भी इज्जत था वो बिल्कुल बर्बाद कर दिया इस मूवी को बना के, और इस इतना दोगलापन दिखा के।